हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के Q1 के रिजल्ट्स, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.91% की गिरावट दर्शाई IRFC के स्टॉक ने, और 49 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या हमें IRFC का स्टॉक 50 रुपीज़ के ऊपर जाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, या फिर स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे और 40 रुपीज़ तक के लेवल्स को टच करता नज़र आएगा IRFC लिमिटेड का स्टॉक? चले जानते हैं डिटेल टारगेट एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों, यह है न्यूज़ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IRFC ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड एंड 6.3% ईयर ऑन ईयर फॉल इन इट्स नेट प्रॉफिट फॉर द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर एंडेड जून Q1 FY24 टू ₹1,556.6 करोड़। द कंपनी हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,661.6 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड, यानी कि कंपनी ने लगभग 6.3% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर फॉल देखा है नेट प्रॉफिट के अंदर जून के क्वार्टर के अंदर, जो कि लगभग 1,556.6 करोड़ रुपीज़ का है, जो पिछले साल लगभग 1,661.6 करोड़ रुपीज़ का था। सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट वॉज अप 17.2% फ्रॉम ₹1,327.7 करोड़ रुपीज़ इन Q4 FY23, यानी कि लगभग 17.2% का हमने उछाल देखा था, जो कि लगभग ₹1,327.7 करोड़ रुपीज़ का था Q4 FY23 के अंदर। IRFC शेयर प्राइस टुडे क्लोज्ड एट 1.11% लोअर एट ₹48.86 अपीस ऑन BSE, यानी कि हमने लगभग 48.86 रुपीज़ के आसपास कंपनी के स्टॉक को क्लोज होते हुए देखा आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये है अवली चार्ट फ्रेम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के स्टॉक का। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट दर्शाया था लगभग 38.80 रुपीज़ से, और हमने स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी उछाल नज़र की। दोस्तों, स्टॉक ने 52.05 रुपीज़ का एक इनपॉइंट रेजिस्टेंस फेस किया हमने नज़र किया, और उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें लगातार गिरावट नज़र कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल स्टॉक लगभग 49 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक के लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 48 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हम नज़र कर सकते हैं। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है लोअर साइड, तो दोस्तों स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे और लगभग 46.25 और 44.50 रुपीज़ तक के टारगेट्स हम बनते नज़र कर सकते हैं IRFC के स्टॉक के अंदर। दोस्तों, यदि स्टॉक 48.25 से अच्छा खासा सपोर्ट दर्शाए, तो दोस्तों ऊपर की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 50 रुपीज़ का होगा। 50 रुपीज़ के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 52 रुपीज़ तक स्टॉक हमें आगे बढ़ता नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के स्टॉक का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोस। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।